तरफ जहां लोग अपना बर्थडे शहर के बड़े रेस्टोरेंट और रिसोर्ट में फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, ऐसे में आज भी कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने बर्थडे को इलाके के लोगों के साथ मिलकर खिदमत खल्क के द्वारा मनाने पर यकीन रखते हैं। ऐसी एक छवि महानगर कोलकाता के 59 नंबर वार्ड में देखने को मिली, जहां एसी छोटू कैप्टन एंड टीम के द्वारा 1000 से अधिक असहाय लोगों में कंबल वितरण करके शेख जुम्मन सईद साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। साथ ही साथ उनकी उम्र, सेहत और उन्नति के लिए भी दुआएं की गईं। इस शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 59 के टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट एस के तवेज आलम, वाइस प्रेसिडेंट एस के आलम के साथ समाज के अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने एसी छोटू कैप्टन एंड टीम के द्वारा सामाजिक स्तर पर आयोजित इस तरह के बर्थडे सेलिब्रेशन की जमकर तारीफ की। थोड़ा सा हाथ क्या कहेंगे आज 59 नंबर वार्ड में जिस तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन जो किया जा रहा है एक सामाजिक स्तर पर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करके, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए बहुत अच्छा तरीके से यहाँ किया जा रहा है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा छोटू भाई, उनके पूरे टीम का, तोपसिया यूथ क्लब का, तोपसिया यूनिट से एज आ जुबो लीडर वो नेतृत्व दे रहे हैं। और ऐसे जैसे छोटू भाई हैं वार्ड में, लालटूदा है, पुचुंदा है, साहब अंकल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुबो लीडर हैं, उनके वजह से मैं एज आ जुबो प्रेसिडेंट मुझको मजबूती मिलती है। ये लोग ऐसा काम करते हैं तो मेरा भी नाम बनता है, तो इसके लिए इन सबों को बहुत बहुत शुक्रिया कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ इन लोग फॉलो कर रहे हैं, मशवरा करते हैं, आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि भाई ऐसा ऐसा करना है। तो आज हमारे वार्ड के मदर के जनरल सेक्रेटरी जनाब शेख जुम्मन सईद साहब का जन्मदिन का मौका है, और हम लोग पिछले 2 साल से कुछ ऐसा मशवरा आया बहुत सारे लोगों की तरफ से कि हम लोगों के वार्ड में जिस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता था इसमें बहुत सारे पैसे की बर्बादी होती थी, तो मशवरा ये आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें पैसा का बर्बादी भी ना हो, दिल को भी सुकून मिले और आवाम को भी फ़ायदा मिले। तो हम लोग इसी तरीके से सभी लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों तक फ़ायदा पहुंचे। तो आज यहाँ छोटू भाई ने भी जो है, ठंडा का वक्त है, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये इंतज़ाम किया है ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेकी का काम है, और मैं चाहूँगा कि पूरे वार्ड के अंदर जो है लोग इस तरीके से ही जो है बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करें ताकि खुद के भी दिल को सुकून मिले। जिसके अंदर करने की चाहत होती है, जो लोग अपने पैसे को दूसरे के लिए खर्च कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूर सुकून मिलता है, तो खुद को भी सुकून मिले और जो ज़रूरतमंद हैं उनके भी ज़रूरत पूरा हो, इस तरीके से हम लोग बर्थडे बनाएं। देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और ये पहली बार नहीं किया है, आज जो है इस तरीके से वायरल हो रहा है, वो बहुत दिन से ऐसे प्रोग्राम को कर रहे हैं और वो जनाब शेख आलम साहब को फॉलो करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, जनाब शेख आलम साहब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, छोटू भाई बहुत बेहतरीन काम करते हैं, उनका सोच भी बहुत अच्छा है, और दुख सुख का साथी जो चंद लोग होते हैं उसमें से एक छोटू भाई भी है। तो छोटू भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे ही काम करते रहे, और पूरे टीम को, पूरा टीम का ये क्रेडिट जाता है, एक एक जन कोई भी जो है अकेला कुछ, तबरेज आलम भी कुछ अकेला नहीं है, पूरा टीम अगर है तो हम लोग सब हैं, शेख आलम भी है, शेख जुम्मन सईद भी है, रहमत हुसैन भी है, तबरेज आलम भी है, पूरा टीम हम लोग इकट्ठा है, ये हम लोगों की यूनिटी है, और बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ये जो है हमेशा बरकरार रहे। ये कह रहे हैं कि पूरे पृथ्वी की ये इतिहास रही है कि बर्थडे सेलिब्रेशन हम करते हैं, कहीं आलिशान रिसोर्ट में जाकर करते हैं या अपने फैमिली के साथ करते हैं, लेकिन छोटू अंटिंग ने जिस तरह से असहाय लोगों के दरमियान ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहाँ से ये सिखाई उन्होंने और किस तरह लग रहा है? देखिए हम लोग करते हैं माँ माटी मानुष के पार्टी करते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी करते हैं, और ममता बनर्जी हर वक्त यही कहती हैं कि लोगों का खिदमत करो, लोगों का काम करो तो लोग तुम्हारे संग रहेंगे। तो हम लोगों का दिमाग में बात ये आया कि
बहुत कोई बड़े होटल में जाकर कि अपना घर में फैमिली को लेकर सभी तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कुछ गरीब आदमी को, कुछ गरीब लोगों को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करें, बच्चे को किताब, डायरी और स्कूल बैग डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आज सुबह से हमारे छोटे भाई जुम्मन सईद साहब के बर्थडे के मौके पे हम लोग सुबह से बहुत सारे पूरे वार्ड में बहुत सारे जगह में कहीं सुबह से हम लोग शुरू किए हैं। एक स्कूल में हम लोग 110 बच्चे को स्कूल के बैग, खाता, पेंसिल, रबड़ हम लोग सब उन लोगों को दिए। उसके बाद और एक जगह में सुबह में हम लोग बच्चे लोग को स्कूल का बैग दिए, ये तोपसिया यूनिट में, और यहाँ पे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। और अभी हम लोग इसके बाद ब्लू स्टार में हम लोग का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, वहाँ भी करीब 250 आदमी को हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी में दो तीन मदरसा है, उसमें हम लोग एक मदरसा में 103 बच्चा है और एक मदरसा में कुछ कम बच्चा 80-85 बच्चा है। ऐसे हम लोग 3 डे खाना बना के भी मदरसा के बच्चों को बांटे हैं। और पास ही में हम लोगों का एक गिरजा भी है जो जहाँ पे गरीब लोगों का खिदमत होता है, वहाँ भी कुछ खाने अनाज हम लोग वहाँ पे दिए हैं। कैसा लग रहा है ये पूरे समाज? बहुत खुशी का मौका है, बहुत खुशी लगता है कि हम किसी गरीब आदमी का अगर हेल्प करें तो इससे खुशी और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग ये काम करना चाहते हैं कि हम लोग माँ माटी मानुष के कर्मी हैं, हम लोग ऐसा काम करें कि लोगों को पसंद हो और लोगों और भी हम लोगों का साथ हो। देखिए अभी हमारे लगा जो है तबरेज़ आलम, वो भी सब बात बोल चुका है, और आलम भाई जो हमारे गार्जियन, जो हमारे माने बाप के जगह में बाप हैं, वो भी सब बात बोल चुका है। बर्थडे जो है हम लोग 2-3 साल पहले बहुत धूमधाम से अपना पाड़ा में मनाते थे। मैं इसको हम लोग गार्जियन, हमारा परिवार माने हमारा गुरु, ये सब डिसाइड किया कि बर्थडे में केक नहीं काटना, कि माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा, तो इसलिए हम लोग केक नहीं काट के ज़रूरतमंद का ज़रूरत को पूरा करते हुए कहीं पर बैग, कहीं पर कंबल, कहीं खाने का सामान, इस तरीके से सामान हम लोग बांटे हैं। देखिए हमारा कितना उम्र हुआ है ये हम बता देंगे, मगर कितना बाकी ये कोई नहीं बता पाएगा। इसीलिए हम लोग को आज से नमाज को स्टार्ट करना है, जो हिंदू भाई है उसको प्रार्थना करना है, करके केक का सिस्टम ख़त्म करें, बाकी सब करें इंशाल्लाह। बस यही दो बात। बर्थडे के मौके पर इतने अच्छे खिदमत का जो जरिया मिला है, उन टीम के लिए क्या कहेंगे? बस इन लोग यही बात बोलेंगे कि जिस तरीके से उन लोगों मोहब्बत हम लोग संग में है, हम लोग अभी पूरा पूरी मोहब्बत और एकता इन लोग संघ में है, आलम भाई का संघ में है, आलम भाई इन लोग संघ में है, हम लोग सब एक और एक नेक होकर चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी आगे जिस तरीके से काम होगा, जिसका भी बर्थडे हो या जिसका भी ज़रूरत हो, आलम भाई देखते हैं, हम लोग सब मिलकर देखेंगे इंशाल्लाह।